हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मेरे पास आ चुका है फ्लिपकार्ट से, देख सकते हैं आप, 1, 2, 3 और ये एक चौथा प्रोडक्ट। तो ये चारों प्रोडक्ट में क्या मिल जाते हैं मुझे देखने को, आपको बताएंगे पूरा टोटल अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग के साथ साथ बताएंगे कि मेरा फ्लिपकार्ट से परचेज करने का क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसा फ्लिपकार्ट से परचेज करना उचित रहता है नहीं रहता है, ये आपको भी बताऊंगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा फ्लिपकार्ट के साथ परचेजिंग का। तो पहला बॉक्स मैंने ओपन कर दिया और इस बॉक्स में देखते हैं क्या है ये। तो निविया के 4 सॉप मिल जाते हैं इसके अंदर और इसकी जो प्राइस है वो मुझे पड़ी है 245 की। और अगर इसकी एक की प्राइस की बात करें तो मुझे इसे काटना पड़ेगा तो पता चलेगा कितनी प्राइस है। अच्छा, ये वीडियो में बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफ़ी अंतर हो जाता है। मैंने इस चीज़ को ऑफलाइन में भी ऑलरेडी मैंने पूछा, उसके बाद से फिर ऑनलाइन की तरफ मैं गया, तो ये चीज़ें इसी वजह से फिर ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो है 304 रुपीज़ और मुझे पड़ा है 245 का। और अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ये प्राइस कम नहीं हो सकती, प्राइस उतनी ही रहेगी। एक की प्राइस है 85 रुपीज़, तो 4 की प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता होगा इन सब चीज़ों पर प्राइस नहीं कम करते हैं दुकान वाले, जितने का होगा उतना आपको देना पड़ता है। और ये टोटल जो है 125 ग्राम का एक है, कुल मिलाकर के 500 ग्राम है। और मैं बाद में आपको दिखाता हूँ इसका क्लोजर लुक, इसको हम साइड में रख लेते हैं। चलिए, ये यहाँ पर इसका बॉक्स। अच्छा, उसमें मैंने प्राइस लिखा था सबका, क्योंकि ये जो जितनी डिलीवरी है वो सारी की सारी प्रीपेड है, यानी कि मैंने पहले ही बैलेंस पेड कर रखा है। इसकी प्राइस यहाँ पर मिल जाएगी ऑलरेडी और ये मुझे पड़ा है 209 का। इसको भी निकालते हैं बाहर और इसके अंदर देखिए पॉन्ड्स का एक क्रीम मिल जाता है। इसकी साइज काफ़ी बड़ी है और ये है लगभग 250 ग्राम का और इसकी प्राइस है 300 रुपये और ये मुझे पड़ा है 209 रुपये का। तो 299 इसकी प्राइस है, मुझे पड़ा है ऑलरेडी। देखिए पैकेजिंग काफ़ी बेस्ट है इसकी, तो ये पड़ा है 209 रुपये का। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बड़ा बॉक्स है, बॉक्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रखी है और इसके अंदर मुझे मिल जाता है ये 600 ml का वैसलीन और इसकी प्राइस जो मुझे पड़ी है वो 269 रुपये, यानी कि 269। इसको भी साइड करते हैं, इसको भी साइड करते हैं और ये लास्ट वाला बॉक्स अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या मिल जाता है। 3 प्रोडक्ट हो चुके हैं, चौथा। अच्छा, ये मैं अनबॉक्स क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ मैंने मंगाई है, ये चीज़ का अनबॉक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन करने का सिर्फ रीज़न यही है कि इन चीज़ों को आप लोग अक्सर ऑफलाइन परचेज करना उचित समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन परचेज करना काफ़ी उचित होगा क्योंकि प्राइस काफ़ी डिफरेंट हो जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो यहाँ पर मैंने परचेज किया, देखिए इसकी प्राइस है 180 रुपये जो मैंने ये परचेज किया है। और ये है डाबर का टूथपेस्ट, तो डाबर रेड टूथपेस्ट और ये टोटल 4 हैं, एक ही में पैक होकर गया है। एक की प्राइस, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो पूरा जो ये पैकेट है, मे बी रुपीज कहीं तो लिखा होगा ना, चलिए इस पैकेट को मैं निकालता हूँ फिर आपको प्राइस दिखाता हूँ। तो ये पैकेट खुला और ये निकला, एक की साइज ये है और एक की प्राइस लगभग, क्योंकि ऑफलाइन में यही प्राइस पे मिलता है, तो एक की प्राइस 77 रुपीज़ है। अब 4 मिले हैं तो 77 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 77 × 4, प्राइस तो देना चाहिए कहीं नहीं है, फिर भी काफ़ी महंगा पड़ेगा अगर आप 180 से कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि 4 लिया मैंने 180 में। हाँ, प्राइस यहाँ पर मेंशन है 231 रुपये का पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे ये कुछ फ़ायदा है ऑफलाइन से, अगर आप कंपेयर करें क्या इतने का आपको मिलता है, अगर मिलता है तो डेफिनेटली ऑफलाइन से परचेज करिए, अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली ऑनलाइन से परचेज करिए। क्योंकि अक्सर इन सब चीज़ों को मैं सारा यूज नहीं करूँगा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने मंगाया तो मैं यूज करूँगा, चलिए मैं नहीं यूज करूँगा, बस मंगाया है मैंने, ये सारा घर चला जाएगा। तो मैंने बस अनबॉक्स करने का रीज़न सिर्फ इतना ही था कि ये सारे प्रोडक्ट देखिए, जैसे कि ये
इसका प्राइस बताओ कितना है, 449 रुपए। और इसकी प्राइस बिल्कुल भी ऑफलाइन मार्केट में कम नहीं होती वैसलीन का। इसकी एक की प्राइस 85 रुपीज है, मुझे पड़ा है 245 का। पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी प्राइस टोटल की प्राइस आपको पड़ जाएगी लगभग 304 रुपए की। और ये इसकी प्राइस 300 रुपए है, मुझे पड़ा है 209 रुपए का। इसकी प्राइस टोटल की प्राइस जो है वो है 231 रुपए, लेकिन मुझे पड़ा है 180 रुपए का। तो आप कंपेयर कर लीजिए। चलिए इनका क्लोजर लुक आपको दिखाता हूँ कैसा ये देखने को आपको मिल जाते हैं। लेकिन काफी शानदार है प्रोडक्ट, सारे के सारे बिल्कुल पैकेजिंग अच्छी थी, केवल इस वाली पैकेजिंग खराब थी। लेकिन ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छा से अच्छे से था। मैंने इसको ओपन किया फिर देखा भी, तो उसके बाद ये वीडियो पॉज करके फिर आगे का मैं दिखा रहा हूँ। चलिए तो क्लोजर लुक इसका हमें दिखाते हैं। ये है मेरा पहला प्रोडक्ट जो है वैसलीन का, और इसकी प्राइस देखिए है 449 रुपये, मुझे पड़ा है 269 रुपये का। तो ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा फुल्ली नया है। मैंने इसको अभी ओपन किया, ये भी पैक था बिल्कुल। तो ये है, और इसका जो वज़न है वो 600 ml का है। यहाँ पर देखिए ये है पॉन्ड्स का, और लेडीज़ ही इसको यूज करती है अक्सर, तो मैंने ले लिया सिस्टर के लिए। और यहाँ पर इसका देख सकते हैं प्राइस 299 रुपये है यहाँ पर, बट ये मुझे पड़ा है 209 रुपये का। ये भी काफ़ी अच्छा है, निविया का ये सॉप है तो इसे कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन इसकी एक की प्राइस जो है वो है 85 रुपीज। अगर पूरे प्राइस देंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को 304 रुपये। अगर एक की प्राइस आपको देखनी होगी तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको देखने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं 85 रुपीज। अंदर का जो सॉप है वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार निकाल करके। ये है कुछ इस तरीके का, तो ये है प्रोडक्ट, कोई ख़राबी नहीं है। और यहाँ पर ये मिल जाता है 4 एक ही में। इसको भी एक बार खोल देते हैं, आपको दिखा देते हैं। इधर से पैक है, इधर से खोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का है पैकेट इसका, ये तो देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इसकी प्राइस आपको देखनी होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी 231 रुपये। तो ये है पूरा प्राइस, और ये भी कट प्राइस है तब। तो ये पूरा फंडा है इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन का। अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं, आप ऑफलाइन में जाते हैं ना, तो इस पर कम होने वाला रेट, ना तो इस पर कम होने वाला रेट, ना तो इस पर कम होगा रेट। अगर कोई जो ख़रीदता है उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना ही इस पर रेट कम करते हैं लोग। तो ऑलरेडी आपको बेटर होगा ऑफलाइन परचेज करना, तो आप जा करके ऑफलाइन ज़रूर, सॉरी, बेटर होगा ऑनलाइन परचेज करना, ऑफलाइन तो परचेज करना बिल्कुल भी बेटर नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप परचेज करना है तो एक बार कंपेयर जरूर करिए, ऑनलाइन सामान मंगाइए। हाँ, ये प्रोडक्ट रिफंडेबल नहीं होते हैं, लेकिन उस पर मैंने अपनी वीडियो बना रखी है किस तरीके से रिफ़ंड करेंगे। तो आप वहाँ भी जा करके इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट को रिफ़ंड भी कर पाएंगे। देख सकते हैं इतना सारा कुछ यहाँ पर मैंने फैला रखा है, ये पूरा कचरा ही कचरा हो गया। तो बट प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इन सब चीज़ों को ऑनलाइन नहीं मंगा, मतलब ऑफलाइन नहीं लेता हूँ, ऑनलाइन ही मंगाता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे काफ़ी बेटर रहता है। और बहुत सारी चीज़ें केवल ऑनलाइन आती हैं। अगर मैं अपना आगे का लुक दिखाऊं तो बहुत सारा सामान है और सारे के सारे ऑनलाइन, बहुत सारा बॉक्स भी होगा फ्लिपकार्ट और अमेजोन का, टोटल चीज़ें, वीडियो भी बहुत सारी आती हैं। और इन सब प्रोडक्ट की वीडियो बस इसीलिए बना रहे हैं कि आप एक बार जाइए, ऑफलाइन को छोड़कर के ऑनलाइन कंपेयर करिए जो आपको बेटर लगे उससे। क्योंकि दो लगभग 200 किसी प्रोडक्ट में फ़ायदा हुआ, किसी में 45 रुपये, किसी में 80, किसी में 90, किसी में 100, किसी में 20-25 रुपये का आपको फ़ायदा होना ही होना है ऑफलाइन से ऑनलाइन पे। यदि आपको होलसेल मार्केट कहीं पता है इन सब प्रोडक्ट की, तो हो सकता है ये प्राइस मैच कर दें, लेकिन बाकी ऐसे नहीं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आते हैं ना, ये डायरेक्ट होलसेलर से हम लोगों के बीच कस्टमर तक पहुंचा दिया जाता है, इसलिए प्राइस इनकी इतनी रहती है, और कोई बात नहीं है। तो ओके, उम्मीद करते हैं। मैं अब कुछ लोग ये नहीं कहेंगे वैसलीन की वीडियो बना दी, कुछ लोग कहेंगे अब यार साबुन की वीडियो बना देते हो, कुछ लोग बोलेंगे हम पॉन्ड्स की वीडियो बना दिया, कुछ लोग बोलेंगे ये लो टूथपेस्ट की वीडियो। ये वीडियो इन सब प्रोडक्ट की नहीं बनाने की मतलब ये नहीं है कि मैं ये प्रोडक्ट का वीडियो बना के व्यूज के लिए बना रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस रीज़न ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ इन सब प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट कोई भी सबसे अधिक ऑफलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन कोई जाता ही नहीं इन सब प्रोडक्ट में। तो एक बार आप जाइए कंपेयर करिए, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम है बताना, आपका काम है जो भी आपको अच्छा लगे वो
चुनाव करना। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।